एक है सेक्शन और एक है ऑर्डर्स, ठीक है। अब क्या था, सीपीसी में सेक्शन बनाए गए, सेक्शन है 1 to 158 और ऑर्डर है 1 to 51, ठीक है, रोमन लैंग्वेज में जो होते हैं। अब क्या हुआ, सीपीसी के जो सेक्शन बनाए तो दिए, लेकिन सेक्शन क्या हो गए, सेक्शन बहुत लिमिटेड बताने लग गए। अब क्या हुआ, सेक्शन को एग्जॉस्टन देने के लिए, मतलब बहुत एक्सप्रेस करने के लिए क्या बनाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे। ऑर्डर क्या है, बहुत एग्जॉस्टिव है, मतलब सारे रूल्स बताए गए कि कैसे कैसे क्या होगा, कैसे कैसे हम क्या करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड को, कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सूट लगाएंगे, कैसे एडजमेंट होगा, कैसे जजमेंट पास होगा, ठीक है, कैसे डिग्री पास होगी, ठीक है। तो क्या हुआ, ये सेक्शंस तो क्या है, ये सेक्शन बहुत लिमिटेड थे और ये ऑर्डर्स क्या थे, एग्जॉस्टिव थे। अब क्या लोग बोलने लगे कि भाई कभी कभी क्या होता है, सेक्शन एंड ऑर्डर में लड़ाई हो जाएगी, कि हो सकता है कुछ बात सेक्शन बोले और कुछ उसका कॉन्ट्रडिक्शन ऑर्डर कर दे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कभी भी, देखिए आप याद कर लीजिए कि कभी भी सेक्शन एंड ऑर्डर में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन होता है, सेक्शन एंड ऑर्डर में कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो क्या हमेशा प्रिवेल करेगा, सेक्शन में लिखी हुई बात प्रिवेल करेगी। वैसे तो कभी कॉन्ट्रडिक्शन होता नहीं है, दोनों हमेशा क्या चलते हैं, कॉन्करेंटली चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। लेकिन बाय चांस कभी सेक्शन एंड ऑर्डर्स में क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगा, तो हमेशा क्या प्रिवेल करेंगे, सेक्शन प्रिवेल करेंगे। अब आपको बताओ, जैसे देखिए ऑर्डर क्या हो सकते हैं, ऑर्डर हो सकते हैं प्रोसीजरल, क्योंकि ऑर्डर्स में क्या दे रखा है, प्रोसीजर्स दे रखा है, और सेक्शन क्या हो सकते हैं, सब्सटेंटिव। तो सीपीसी क्या है, सीपीसी सब्सटेंटिव भी है एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ भी, क्योंकि सीपीसी में क्या दे रखे हैं, सेक्शंस एंड ऑर्डर्स बोथ। तो ऑर्डर्स क्या होते हैं, प्रोसीजरल होते हैं, एंड सेक्शंस क्या होते हैं, सब्सटेंटिव होते हैं, ठीक है। अब सीपीसी में सेक्शन भी है, ऑर्डर भी है। अब देखिए क्या होता है, सेक्शन एंड ऑर्डर साथ साथ चलेंगे। अभी मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, देखिए हमने पढ़ा था, कल हम समन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो समन में मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन 27 to 29। ऐसे तो मैं पहले भी पढ़ा सकती थी, फर्स्ट डे पे भी पढ़ा सकती थी कि यार 27 से 29 पढ़ा देती हूँ, बाद में मैं ऑर्डर 5 पढ़ा दूंगी। लेकिन जो सेक्शन 27 to 29 है, ये किसके साथ पढ़ते हैं, ये हम ऑर्डर 5 स्पेशल समन की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल है कि भाई समन जो होते हैं, सेक्शन क्या होते हैं, ऑर्डर के साथ चलते हैं, ऑर्डर क्या होते हैं, सेक्शन के साथ चलते हैं, दोनों अलग अलग नहीं चलते, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए बता दिया मैंने आपको कि सेक्शन 1 to 58 है, ऑर्डर 1 to 51 है सीपीसी। अब हम सीपीसी के जो सेक्शन है उनको तीन भागों में बांटेंगे। देखिए फर्स्ट भाग क्या होगा, फर्स्ट जो पार्ट होगा वो पार्ट चलेगा अपना, फर्स्ट पार्ट जो चलेगा, फर्स्ट लगेगा सूट लगने से लेकर जजमेंट तक, सूट लगने से लेकर जजमेंट तक जो पार्ट है वो बोलते हैं हम पार्ट ए सेक्शन का, ठीक है। फिर अब जजमेंट तो पास हो गया, लेकिन क्या होता है, जजमेंट और एग्जीक्यूशन के बीच में क्या बहुत टाइम लग जाता है। उसने कोर्ट ने कह तो दिया कि ए आप एक काम करो, बी को पोजीशन दे दो। अब लेकिन कोर्ट के पास, ए के पास में डिग्री तो आ गई, लेकिन उस डिग्री को एग्जीक्यूट कैसे करा जाएगा, बी तो अभी भी डिग्री के बाद भी कर रहा है, पोजीशन में रह रहा है। तो जो पार्ट बी होता है, पार्ट बी वो होता है एग्जीक्यूशन। यहाँ भाई जजमेंट डिग्री आ तो गई है, अब क्या होगा, अब एग्जीक्यूशन होगा। और पार्ट सी जो बात करता है वो बात करता है मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस बात करता है, ठीक है। अभी मैंने बोला कि जजमेंट के बाद में प्रॉपर्टी देगी, लेकिन जजमेंट से पहले ही कौन सा कब प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, जजमेंट से पहले ही कब अटैचमेंट होगा, जजमेंट से पहले कब अरेस्ट होगा, कब रिसीवर अपॉइंट होगा, तो ये सारी बातें कह रखी पार्ट सी में, ठीक है। तो जो पार्ट ए है वो बात करता है 1 to 20 है, लेकिन सेक्शन है सेक्शन 1 to 35B, ठीक है, 1 to 35B तो सेक्शन है। फिर एग्जीक्यूशन का जो सेक्शन है वो है 36 to 74, एंड मिसलेनियस के जो सेक्शन है वो है 75 to 158, ठीक है। ये तो बात होगी सेक्शन की। आपको अब मैं कैसे याद कराती हूँ, देखिए आपको सेक्शन याद करने के लिए, देखो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले सेक्शन है 1 to 8। 1 to 8 क्या बात करता है, प्रिलिमिनरी की बात करता है। अभी हम पढ़ के आए, प्रिलिमिनरी मीन्स ऑब्जेक्ट हो गया, डेफिनेशन हो गई। फोर्थ में मैंने आपको बताया कहाँ सीपीसी अप्लाई होता है, कहाँ नहीं अप्लाई होता है। फिफ्थ मैंने रिवेन्यू कोड्स बता दिया। सिक्स्थ हम अभी पढ़ेंगे आगे प्यूनरी जुरिक्शन। फिर 9 to 14 क्या बात करता है, पढ़ के आए ना हम 10-11 रेस जुडिकेटा, तो रेस जुडिकेटा से रिलेटेड बात करता है 9 to 14 सेक्शन। फिर हमने 15 to 25 क्या पढ़ा था, प्लेस ऑफ स्विंग। फिर हमने 26th में क्या पढ़ा था, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। फिर 27 से लेके 32 समन एंड डिस्कवरीज, ठीक
ठीक है, तो अब आपको कैसे याद करना है, कोई भी किसी भी जगह हम कोर्ट के बाहर खड़े हमें केस लगाना है तो हम क्या करेंगे, प्लेस ऑफ स्विंग देखेंगे कि कहाँ पे हमारा ज्यूरिशन है, फिर क्या करेंगे हम इंस्टीट्यूशन करेंगे सूट का, फिर क्या करेगा कोर्ट, सूट तो इंस्टीट्यूट हो गया, फिर क्या होगा समन होगा, डिस्कवरी होगी उसके बाद भी। अब आप देखिए, देखिए 1 to 8 क्या लिख रखा है मैंने, प्रिलिमिनरी, फिर लिखा है 9 to 14, इनके आगे आप लोग लिख लीजिए जी, ये क्या है जनरल प्रोविजन है, फिर 15 से 25 प्लेस ऑफ स्विंग है, 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है, समन एंड डिस्कवरी 27 से 32 है, जजमेंट एंड डिग्री, उसके बाद क्या होगा समन एंड डिस्कवरी के बाद में क्या होगा जजमेंट एंड डिग्री पास होगी, जजमेंट एंड डिग्री, देन इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जो दे रखा है वो उसके आगे आप मिसलेनियस लिख लीजिए, मैं बता दूं उसके बाद में क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है 34, ठीक है, और 35 दे रखा है एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट, देखिए इंटरेस्ट दे रखा है 34 और 35 तो 35 भी दे रखा है एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट, यहां भी लिख देती हूं मैं, देखिए 34 इंटरेस्ट और 35 to 35 भी क्या दे रखा है कॉस्ट दे रखा है। देन अब आप देखिए बात करते हैं, वापस हम बात करते हैं, आपको इन दोनों के आगे क्या लिखना है जी लिखना है और नीचे वाले दो के आगे भी जी लिखना है। देखो बीच के कितने बचे, बीच के 4 ही बचे सेक्शन, देखिए 1 to 8 जनरल है, 9 to 14 जनरल प्रोविजन है, फिर हम कोर्ट के बाहर खड़े हैं क्या डिसाइड करने के लिए कि सूट कहाँ लगाएं 15 से 25, फिर हमने सूट लगा दिया सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन, फिर क्या होगा कोर्ट करेगा समन एंड डिस्कवरी, क्या होगा 27 से 32, फिर 33 नंबर पे क्या हुआ जजमेंट एंड डिग्री, ठीक है जजमेंट एंड डिग्री पास हुई, फिर 34 क्या होगा इंटरेस्ट है, इसके आगे आप जनरल लिख लीजिए कॉस्ट है। अब हम बात करेंगे पार्ट ए में, मैंने आपको बताया पार्ट ए का ये सेक्शन है 1 to 35 भी, लेकिन 1 से 20 क्या है ऑर्डर है, क्या है ऑर्डर है पार्ट ए से। अब देखिए अब हमने मैं आपको बताती हूँ ऑर्डर ऐसे बता दी थी, देखो कल हमने देखो 5 ऑर्डर तो हमें याद है, ऑर्डर 1 मैं ऐसे बताऊंगी, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, ठीक है। ऑर्डर 1 क्या है पार्टीज टू द सूट है, किसी भी केस में क्या होती है पार्टीज जरूरी होती है, फिर क्या है फ्रेमिंग ऑफ द सूट है, पता है आपको ऑर्डर 2 फ्रेमिंग ऑफ द सूट है, ऑर्डर 3 क्या है रिकॉग्नाइज एजेंट प्लीडर है एंड प्लीडर, ऑर्डर 4 क्या है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, देन एंड ऑर्डर 5 क्या है समन। तो अब आप एक चीज देखिए, देखिए कहीं प्रिलिमिनरी से कोई ऑर्डर मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, कहीं रेस ज्यूडिकेटा स्टार्टिंग में जब हम छोटे बच्चे थे स्कूल में मैच कराते थे ना, तो रेस ज्यूडिकेटा से कुछ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, प्लेस ऑफ स्विंग से कुछ मैच कर रहा है क्या, कोई ऑर्डर मैच नहीं कर रहा, फिर ऑर्डर 1 से भी कोई सेक्शन मैच नहीं कर रहा, ऑर्डर 2 से भी कोई सेक्शन मैच नहीं कर रहा, ऑर्डर 3 से भी कोई सेक्शन मैच नहीं कर रहा, लेकिन ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 एक दूसरे से मैच कर रहे हैं ना, यहाँ क्या लिखा है सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और यहाँ क्या लिखा है ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, तो मतलब सेक्शन 26 एंड ऑर्डर 4 हम क्या करेंगे साथ में पढ़ेंगे, ठीक है, इनको हम कैसे पढ़ेंगे कॉन्करेंटली पढ़ेंगे। देन और ऑर्डर 5 में क्या था समन, तो ऑर्डर 5 किसके साथ पढ़ेंगे 27, 28, 29 के साथ में पढ़ते हैं हम ऑर्डर 5, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ ऑर्डर 6, ऑर्डर 6 है प्लीडिंग, देखो याद करने का कुछ भी तरीका नहीं है, कोई भी केस में क्या जरूरी है पार्टी जरूरी है, ठीक है, पार्टी क्या करती है सूट फ्रेम करके कोर्ट में लगाती है, कौन लगाता है या तो पार्टी खुद लगाती है या रिकॉग्नाइज एजेंट लगा देते हैं, फिर क्या करेगा सबसे पहले पार्टी सूट इंस्टीट्यूट करेगा, सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद क्या होगा सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद कोर्ट क्या करेगा समन इशू करेगा, फिर आपको ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 इसके आगे आप क्या लिखोगे जनरल, ये क्या बात करते हैं जनरल बात करते हैं प्लीडिंग, ठीक है, ऑर्डर 6 बोलता है प्लीडिंग, ऑर्डर 7 बात करता है प्लेन, प्लीडिंग दो तरीके की होती है, एक प्लेन होता है एक होता है रिटन स्टेटमेंट, तो इन तीनों के आगे आपको लिखना है जी जी जी। अब वापस समन पे आ जाते हैं, देखो अब समन सर्व हो गया, समन सर्व हो गया तो क्या होगा, समन सर्व हो गया तो पार्टीज अब आएंगी कोर्ट में, आएगी कोर्ट में, तो ऑर्डर 9 का नाम है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, अपीयरेंस ऑफ पार्टी, और यदि पार्टी नहीं आई तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो नॉन अपीयरेंस के कॉन्सिक्वेंसेस, ये ऑर्डर 9 बात करता है, ठीक है। अपने क्या करा पार्टीज टू द सूट, फ्रेमिंग ऑफ द सूट, फिर रिकॉग्नाइज एजेंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बाद क्या हुआ कोर्ट ने समन सर्व किया, समन सर्व करने के बाद क्या हुआ पार्टीज आई, पार्टी नहीं आई तो क्या होगा, अब क्या हुआ पार्टी आ गई, तो पार्टी आ गई तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट करेगा एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज,
एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज, ठीक है, ऑर्डर 10। अब ऑर्डर 11, 12, 13 ना तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी मैं बोल सकती हूँ कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इनकी जनरल प्रोविजन एक दो, ठीक है। तो ऑर्डर 11, 12, 13 बात करते हैं डिस्कवरीज की, क्या बात करते हैं डिस्कवरीज से रिलेटेड बात करते हैं। ऑर्डर 11, 12, 13 की डिस्कवरी होगी या कोई पार्टी एडमिशन कर देगी तो क्या होगा, ठीक है। अब लेकिन मैंने आपको क्या बताया, यहाँ बताया था सेक्शन 32 समन, तो 27 टू 29 तो किससे मैच हो गया, समन से मैच हो गया, और बाकी के जो 30 टू 32 है, ठीक है, 30 से जो 32 है वो इस डिस्कवरी से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 27 टू 32 सेक्शन है ये इससे मैच हो जाएगी डिस्कवरी, लिखा है डिस्कवरी डन। फिर लेकिन इन ऑर्डर से कोई भी सेक्शन मैच नहीं करते हैं, दिख रहा है हमको कहीं मैच कर रहे हैं सेक्शन। अब हम बात करते हैं, अब देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ, पार्टीज भी हो गई, फ्रेम भी हो गया, सूट सूट इंस्टीट्यूट भी हो गया, सूट का समन भी सर्व हो गया, फिर पार्टीज आ भी गई, कोर्ट ने एग्जामिनेशन भी कर लिया। अब कोर्ट ने एग्जामिनेशन करने के बाद क्या किया, कोर्ट ने एग्जामिनेशन करने के बाद क्या कर दिया, इश्यूज फ्रेम कर दिए। तो ऑर्डर 14 बात करता है इशू की, डन। अब क्या हुआ, कोर्ट ने जब इशू फ्रेम किए तो कोर्ट को लगता है कि इनके बीच में तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, इनके बीच में कोई इशू नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, इशू नहीं है तो क्या करेगा, फर्स्ट हियरिंग पे क्या सुना देगा, फर्स्ट हियरिंग पे क्या सुना देगा, जजमेंट सुना देगा। तो डिसीजन कर देगा ऑर्डर 15। ऑर्डर 15 क्या बोलता है कि फर्स्ट हियरिंग पे कोर्ट कर देगा डिसीजन। अब क्या हुआ, फर्स्ट हियरिंग पे कोर्ट ने क्या किया, डिसीजन नहीं किया, तो क्या बुलाएगा कोर्ट, विटनेसेस। तो सेक्शन ऑर्डर 16 बात करता है विटनेसेस की। फिर ऑर्डर 16A बात करता है कि यदि कोई विटनेस कहां पे बंद है, कोर्ट में बंद है, तो क्या हुआ, उनको बुलाएगा, तो विटनेसेस कन्फाइंड इन कोर्ट। ऑर्डर 17 मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देखती हूँ। ओह ठीक है, ऑर्डर 17 जनरल प्रोविजन है, ऑर्डर 17। अब क्या हुआ, विटनेसेस भी आ गए, लेकिन कोई बोल रहा है, पार्टी बोल रही है, यहाँ मैं लिख रही हूँ स्पेस है, ठीक है, कोई पार्टी ऐसे बोल रही है कि मेरे को क्या चाहिए, ऑर्डर मेरे को चाहिए एडजर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि मुझे और विटनेस बुलाने, तो क्या होगा एडजर्नमेंट। अब क्या हुआ, एडजर्नमेंट हो गया, सारे विटनेसेस आ गए, तो क्या होगा, हियरिंग ऑफ द पार्टी, ठीक है, पार्टी हियर करेंगे, सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो ऑर्डर 18 जो बात करता है हियरिंग का, बात करते हैं ऑर्डर 18 हियरिंग ऑफ द सूट, ठीक है, ये जनरल प्रोविजन है ऑर्डर 17 का। ऑर्डर 19 बात करता है एफिडेविट, ये भी जनरल प्रोविजन है। फिर हियरिंग होने के बाद क्या होगा, हियरिंग होने के बाद होगा जजमेंट। तो ऑर्डर 20 बात करता है जजमेंट, डन। अब मैंने जजमेंट कहाँ पढ़ा, जजमेंट 33 में भी पढ़ा, तो ये जो ऑर्डर 20 है उसको हम किसके साथ में पढ़ेंगे, सेक्शन 33 के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ भी याद नहीं करना आपको, देखो स्टेप बाय स्टेप सब चीजें चल रही है, ऐसे नहीं होता कि हम भूल जाएंगे हर चीज में। सबसे पहले पार्टीज हुई, पार्टीज ने फ्रेम सूट फ्रेम किया, सूट फ्रेम करने के बाद उन्होंने सूट लगा दिया, सूट लगाने के बाद कोर्ट ने सर्व कर दिया समन सर्व करने के बाद, ये जनरल प्रोविजन है, समन सर्व करने के बाद क्या हुआ, ऑर्डर 9 में पार्टी अपेयर हुई, पार्टी अपेयर होने के बाद कोर्ट ने क्या कर दिया, एग्जामिनेशन कर दिया। 11, 12, 13 क्या है, जनरल प्रोविजन है, एग्जामिनेशन करने के बाद क्या कर दिया, इशू फ्रेम हुआ, इशू फ्रेम करने के बाद कोर्ट ने क्या कहा, फर्स्ट हियरिंग पे, ठीक है, फर्स्ट हियरिंग पे कोर्ट ने कहा तुम्हारे बीच में कोई इशू नहीं है, तो कोर्ट ने फर्स्ट हियरिंग पे क्या दे दिया, डिसीजन। फिर फर्स्ट हियरिंग पे डिसीजन नहीं हुआ, तो कोर्ट ने क्या बुला लिया, विटनेसेस। 16A क्या बोलता है कि विटनेसेस यदि कोर्ट में कन्फाइंड है तो उन विटनेसेस को कैसे बुलाया जाएगा। फिर ऑर्डर 17 जनरल प्रोविजन की बात करता है, अब क्या हुआ, विटनेसेस आ गए, तो अब क्या होगा, हियरिंग ऑफ द सूट। फिर ऑर्डर 19 जो बात करता है वो बात करता है जनरल प्रोविजन एफिडेविट, और ऑर्डर 20 बात करता है जजमेंट। तो जजमेंट की बात करता है